यार इंडियन कपड़े पहन लिया एकदम दिवाली का तो फील आ गया है, मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। लेकिन एक चीज से को पता है ना दिवाली का मेन चीज क्या होता है? क्या? मिठाई। पॉइंट तो सही का, मिठाई। लेकिन मम्मी तो मिठाई बना रही ना, हम क्या करें? अरे भाई उसमें क्या, मामा मिठाई बनाए तो हम लोग को भी तो मतलब कुछ करना है। हम हर साल खाते हैं, लेकिन तू जानती है ना मैं इतनी दुनिया की बेस्ट शेफ हूँ, मतलब मुझे भी तो खाना है, बनाना है ना मिठाई, मैं अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। तू एक ब्रेड ग्रैब नहीं कर सकती, रोटी नहीं बना सकती, कभी खुद के लिए कुछ नहीं बना सकती, मिठाई बनाने। मैंने बहुत सारी चीजें बनाए हैं, हम लोग नॉन फायर, मैं नॉन फायर बनाती हूँ, मुझे नॉन फायर पसंद है। पेपर से तो बना सकती है ना? हाँ, क्या बना पाएगी नॉन फायर? कुछ नहीं बनेगा तुझसे। अरे बना पाऊंगी ना, चॉकलेट पेड़ा बना सकती हूँ, बहुत यम्मी सा चॉकलेट पेड़ा तो बनाएगी। तब मैं बनाऊंगी वो काजू कतली का, वो काजू रोल। चल देखते हैं कौन बना सकता है। ठीक है, लेट्स बिगिन द रेसिपी कॉम्पिटिशन। नॉन फायर होगी, फायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली मिक्सर अलाउड। तो गाइस अब जब तक हम दोनों बनाने वाले हैं अपनी रेसिपी, तब तक आपको अपना काम करना है, वो है इस वीडियो को ना सबसे ज्यादा शेयर कर दो। चलो मैं आती हूँ, मुझे जीतना है, मुझे पता है। चलो मैं जा रही हूँ, मेरी तैयारी करना, क्योंकि मेरे को जीतना है। नहीं मैं जीतूंगी, मैं जा रही हूँ। तो गाइस आपने मम्मी को बनाते हुए देखा इतने सारे मिठाइयाँ, अब हमारी बारी आ गई है। आज हम दोनों मिठाई बनाएंगे अलग अलग, ऐसी वैसी मिठाई नहीं, बच्चों वाली मिठाई, नॉन फायर मिठाई, इसका मतलब था। मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट का, वो जो पेड़ा आता है ना, पेड़ा नॉर्मल पेड़ा सब खाते हैं, चॉकलेट पेड़ा किसी ने खाया है? साउंड करने में कई बार अच्छा ना लगे, लेकिन टेस्ट कर जाए तो यम्मी तो लगता ही है। और गाइस अब आप जानना चाहते होंगे कि आयुष्का तो ग्रेट क्या बना रही है। मैं बनाने वाली हूँ एक लोटस, एडिबल लोटस, वैसे है इसको मतलब एक काजू कतली वाला लोटस। तो चलो शुरू करते हैं इस चैलेंज के साथ, बहुत मजा आएगा। और गाइस अब दिवाली के दिन हम यहाँ कुक विद आशा पे आए हैं, तो लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब कर दो ना, मम्मी को 1 मिलियन तक पहुंचाना है, पहले हमको भी पहुंचा दो। तो पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं हूँ बड़ी बहन। वाह आई ने पहली बार कमेंट्री लेंगी। चलो नो प्रॉब्लम, तो मेरा 3 इंग्रेडिएंट यम्मी सा पेड़ा बनने वाला है, वो भी बिस्किट के साथ। अब बिस्किट आप कोई भी ले सकते हो, मैंने बॉनबॉन लिया, लेकिन याद रखना क्रीम वाले बिस्किट। तो अभी मैं एक क्रीम वाला बिस्किट लेंगे, फिर हम ये कंडेंस्ड मिल्क हमारे पास है, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क यूज कर सकते हो, चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हो, ये 3 ऑप्शन है। और फिर ये डेकोरेशन के लिए थोड़ा मामा शिमरिंग सिवरिंग जो भी बोलते हैं, ऐसे वो बोलते हैं ना, चॉकलेट है, ग्रेटेड चॉकलेट। हाँ ग्रेटेड चॉकलेट, एकदम सही जवाब मम्मा, आप जीतते हो 10 करोड़ रुपया। ये बिस्किट को ये ग्राइंड कर देने का, ग्राइंड, अच्छा वो मिक्सर पे वो खुरखुर खुरखुर। तो अभी हम इसको निकालते हैं, पहले इसको साइड में कर देते हैं, जिसको दिखाना नहीं उसके तरफ। तो हम हमारे बिस्किट को छोटा छोटा करेंगे, जिससे मिक्सर बेचारे को ज्यादा काम ना करना पड़े। तो ऐसे ऐसे हम लोग तोड़ते जाएंगे सबको। तो अब आपको देख ही सकते हो पूरा बोल भर चुका है। तो अभी मैं इसको ग्राइंडर मिक्सर में फुर फुर करके लाती हूँ। तो आ गया है हमारा पाउडरी बिस्किट और हमारे बाकी सारे सामान भी रेडी है। तो चलो हम लोग चालू कर दे। अब हम बनाने वाले 2 बैटर नहीं, दो और बैटर में मैंने अभी अभी सीखा कि डिफरेंस ये होता है कि बैटर थोड़ा पानी पानी होता है, दो थोड़ा कड़क होता है। तो अभी हम लोग पहले डालेंगे 1.5 चम्मच कंडेंस मिल्क, 1.5 चम्मच वनीला, 1/2 स्पून होता है टेबलस्पून। फिर कोई हम कंडेंस, कितना अच्छा लगता है ना ये, कितना सैटिस्फाइंग लगता है। तो चलो अभी बेटा तू इधर है। तो चलो अभी हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। मेरा फेवरेट पार्ट हाथ के साथ, पहले दूध तो मिला, पहले थोड़ा थोड़ा दूध तो मैं लेफ्ट हैंड से उठा के डालूंगी, इसका ये राइट में है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे डालते, पहले डाल दो फिर मिला थोड़ा डालो, पहले 2-3। तो अनुष्का हमारे बेचारे चॉकलेट को तंग कर करके मारी जा रही है, और उसे इसको डो बनाना कहते हैं अनुष्का, ये जस्ट अ बिगिनर, लर्न फ्रॉम मी। तो हम लोग इसको टाइट करेंगे, ज्यादा दूध नहीं डालना, समझ समझ के धीमे धीमे डालना। इसमें आप अपने मॉम का या अपनी बड़ी बहन का जो मेरे पास है नहीं उसका असिस्टेंट लेते हैं। तो गाइस ये देखो अनुष्का का ये डो फाइनली बन के तैयार हो गया, उसे इतना मारा, उसे इतना मारा कि फाइनली शेप में आ गया, बेचारे पे तरस क्यों लगवा रही है। दिखाओ तो अभी डो, हमारा डो बन चुका है ये देखिए। तो अभी हम लोग इस पे थोड़ा ये घी बटर से चिकना कर देंगे, मतलब वो चिपको ना रहे। अब आप सोच रहे हो हम लोग इसको कुछ गरम वरम माइक्रोवेव, नो फायर। तो हम लोग बस अभी इसको शेप में ला के थोड़ा वो डेकोरेशन करेंगे। पहले हम लोग को इतना निकालना, आपको तो बड़ा पेड़ा बनाना है तो बड़ा निकाल सकते हो, छोटा निकालना है तो छोटा बना सकते हो। मैं तो मीडियम साइज बनाऊंगी, और फिर उसके बाद अपना थंब लेके
उसके बीच में ऐसे कर देंगे क्योंकि वो शेप रहता है ना। तो आप देखिए ये ऐसा बन चुका है मेरा पेड़ा, तो अभी हम इसको रखेंगे और डेकोरेशन के लिए। तो इसी की तरह सब बना लेंगे हम लोग ऐसे गोल गोल कर। तो अभी हमने बना दिए हमारे प्यारे 1 2 3 4 5 6 हमने वो बनाए पेड़े। तो अभी बारी है डेकोरेशन की, हमने हमारे 6 बना लिए हैं पेड़े। आजकल मैंने 2 बनाए, मैंने 4 बनाए। तो अभी हम डार्क चॉकलेट को बस थोड़ा ऊपर डालेंगे इसके, मैं इस पे ऐसे करके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितना यम्मी, कितना प्यारा, कितना डिलीशियस ये है अन्नू का चॉकलेट पेड़ा, है ना इतना यम्मी। तो पहले मैं ये लूंगी बादाम की बिना वाला, सॉरी लालच गए तो माफ करना, आप भी बनाएंगे ना घर पे। तो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा था, इसका नाम है चॉकलेट पेड़ा जो बहुत यम्मी, आप भी इसे बनाइए, एकदम यम्मी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस अभी अनुष्का ने तो बना लिया, अब मेरी बारी है। तो मैं बनाने वाली हूँ, 100 बार आपको बता चुकी हूँ, वापस बताऊंगी, मैं बनाने वाली हूँ काजू लोटस। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ क्या इंग्रेडिएंट्स ये, बिल्कुल फायर की जरूरत नहीं है, जो इंग्रेडिएंट नहीं सिर्फ मिक्सर की जरूरत है। तो गाइस देखो ये लिया है हमने काजू, एक कप काजू, उसको हमने मिक्सर में डाल के ला दिया सीधा। तो ये है मिल्क पाउडर, 1/2 कप मिल्क पाउडर, फिर कंडेंस मिल्क चाहिए रहेगा, और ये मैंने लिया है 2 फूड कलरिंग्स, ये एक है ग्रीन और एक है ऑरेंज इंडियन फ्लैग। तो ये मैंने लिया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1/2 कप मिल्क पाउडर। और गाइस अगर आपको काजू कतरी पसंद है हमारे तरफ तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। लगता है आज मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, इतने सारे यम्मी यम्मी शब्द, काजू कतरी, वो कतरी, ये कतरी, में तो भूख ही लग गई हो। तो हम इसमें मिठास के लिए कंडेंस मिल्क डालेंगे, तो इसको भी हम मिला देते हैं। अब बारी आई है हमारे शुद्ध जल की, अंशा का मतलब है दूध को डालने की। अब क्या है, डो बनाना है तो उसमें थोड़ा मैं डालती हूँ, तू कर, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो अभी आयुष्का ने डो बना चुका है। वैसे गाइस आपको बताऊंगी ये डो बनाने के टाइम पे आप काफी केयरफुल रहना कि दोनों का प्रोपोर्शन जो है बराबर है, दूध ज्यादा ना हो जाए। तो गाइस ये देखो मैं इसके ना 2 पार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि एक में हम डालेंगे ग्रीन, एक में डालेंगे ऑरेंज, जो आपको पता चल जाएगा क्यों कैसे। अब मैं ये वाले में ग्रीन फूड कलर मिलाऊंगी, अंशु थोड़ा सा हेल्प करना मुझे खोल। तो ये ग्रीन कलर गिरा दिया इस पे, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो गाइस देखो मैंने ये दोनों बना दिए। हाँ। तो अभी मतलब आयु ने मेरी मदद की तो मैं उसकी मदद करूंगी, अब मैं भी बनाऊंगी। तो गाइस अब हमने ले लिया है, तो मैं और इसको ये कर रही हूँ बना रही हूँ, और इसका ग्रीन को हम दोनों मिलके साथ में बनाएंगे। तो पहले हम लोग ये घी या तो ऑयल जो भी आपने लिया है, तो पूरा खत्म कर दिया है बाहर में, और बनाना शुरू करेंगे। ओके तो ये देखो एकदम परफेक्ट हमने दोनों ने ये गोले गोले बना दिए हैं, अब ऐसे ही करते करते हम और बनाते जाएंगे। तो गाइस ये हमारे दोनों गोल बन गए हैं। तो गाइस ये देखो ये ग्रीन लेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ये ग्रीन लेंगे, अब इसको मैंने से गोल बनाया था उसको वापस खराब कर देंगे। तो ये देखो हमें इसे थोड़ा सा मतलब बड़ा करना है साइज में, अब देखो मैंने इसे बड़ा कर दिया साइज में, अब मेरे को ये ऑरेंज जो है इसको इसके अंदर डालना है, तो ये इसको ऐसे में धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। तो गाइस ये देखो ये मैंने बना दिया है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, मैं भी बनाऊंगी, ठीक है, एक अनुष्का भी बना लेगी। तो गाइस देखो हमने बना लिया इसका, आपको आउटर कवरिंग ये ग्रीन है और अंदर से ऑरेंज काटेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन एकदम अच्छा, मैंने भी 1-2 सेकंड में बना दिया। आयुष्का को थोड़ा टाइम लगा सीखने में, लेकिन मैं तो गाइस अभी हम इसको सेट होने देंगे, इसे हम फ्रिज में डाल देंगे कुछ 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम आपको इसे काट के दिखाएंगे एकदम लोटस जैसे, एकदम काजू कतली जैसे टेस्ट करता है। अब कंपल्सरी नहीं है, ऐसे पता चले टेस्ट कैसे करता है, ठीक है, मैंने कई बार बीच में खाया होगा, मैं बच्ची हूँ, इधर भी एक एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको भी खा लूंगी बाद में। तो गाइस ये देखो फाइनली हमने इसे थोड़ा देर फ्रिज में रखा, एकदम अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे लाएंगे एकदम लोटस वाले शेप में, मतलब स्टाइल डालना होंगे इसके। अब लोटस का शेप कैसा होता है, ऐसे खुला होता है। हाँ, तो उसको बेसिकली हम ऐसे काटेंगे, तो मैं इसको ऐसे काटूंगी, अपना हाथ में काटूंगी। तो गाइस इसको मैं ऐसे देखो क्रॉस तरीके से काटती हूँ, ऐसा ऐसा, अब इसको थोड़ा सा ओपन अप कर देंगे, देखो अंदर से ऑरेंज कैसे खिल के निकल रहे हैं। ये देखो गाइस हमारा लोटस, ये देखो आप खोल को मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लोटस काजू कतली बन गया, कितना सुंदर दिख रहा है ये देखो। तो अभी आयु का एग्जाम अच्छा वाला, मैं मन कर रहा है खाने का, चलो इसे खा के देख लेते हैं बनाया है तो।
तो ये बच्चों ने तो अपनी मिठाई बहुत ही यम्मी अपनी अपनी फेवरेट बना ली। अभी इस दिवाली आप क्या कर रहे हो? आप लोग भी तो अपनी फेवरेट मिठाइयाँ बनाओ, वो भी नॉन फायर। नॉन फायर रेसिपी तो देख ली, तो कैसी लगी आपको हमारी नॉन फायर रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करना, सभी के साथ शेयर कर देना और जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इस दिवाली पे हो सके तो बहुत कम पटाखे जलाइए, मिठाई और दियो के साथ दिवाली को एंजॉय कीजिए। हाँ गाइस, और कुकवी राशा की टीम से आप सभी को हैप्पी दिवाली।